सायरा, ए सायरा, तुम्हें पता है दुनिया के सबसे खूबसूरत दिन कौन सा है? सैटरडे, 10 दफा बता चुकी हूँ। चलो अब सो जाओ और सोने दो। और दुनिया का सबसे खूबसूरत दिन जाया हो जाए। एड़ी नहीं हूँ मैं। ये एड़ी पीड़ी क्या होते हैं? अगर अम्मी अबू ने ये लफ्ज सुन लिया ना तुम्हारे मुंह से, तो ऐसी डांट खाओगी ना कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। चलिए नाश्ता तनावल फरमाते हैं। हमारे पेट में चूहे मटर गश्तियां कर रहे हैं। उठिए, नहीं तो हम इस चादर को आपके नाजुक अंदाम वजूद से खींच उतारेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भैया बच्चियां कहाँ हैं? सो रही होंगी अभी तक। अच्छा, आइडिया। ओहो, क्या कर रही हो? ये पसंद है ना तुम्हें? क्या करने? Just wait and watch. होगा है ना? नहीं, सारा कहता। ऐसी हरकतें खुद भी करती है और उससे भी करवाती हो तुम। हर रोज आपके जाने के बाद यही हरकतें होती हैं घर में। चलो जाओ, कपड़े चेंज करके आओ। अरे बाबा, घर में तो है, कर लेंगे चेंज। आ जाओ, आओ नाश्ता करो। क्या करते हैं आप? नाश्ता करने तरीका होता है, तमीज होती है टेबल पर बैठने की। आपकी इसी शय की वजह से ना बिगड़ रही है। सायरा तो ये बात समझती है, लेकिन इस मायरा को कौन समझाए? लेकिन आप हैं कि दोनों को एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। इसलिए कि मैं दोनों में कोई फर्क नहीं करता। अगर दोनों में फर्क है ना, तो तरीके भी फर्क रखने पड़ेंगे। हाँ, मगर दोनों के लिए उसूल एक ही है। मैं कब कह रही थी कि पता है अबू, मैं तो आपको बताने ही भूल गई कल मेरे साथ क्या हुआ। क्या हुआ? मैं ना सोनिया के घर जा रही थी, सारी गली सुनसान थी, ना आदम ना आदमजा। फिर एक की चार कर रही हो ना, इस पर एतबार नहीं आता मुझे। बात तो सुनने दो। फिर ना एक लड़का आ गया अचानक, तो डर गई। फिर भाई मैंने तो सोच लिया, बाप रे बाप, आज तो मैं गई। मैंने एक हाथ में फोन टाइटली पकड़ लिया। तो तुम फौरन घर क्यों नहीं आई? उसको हमारा एड्रेस पता लग जाता अम्मी, इसलिए। फिर मैंने सोचा अगर इसने मुझसे बात करने की कोशिश की ना, तो मैं तो उसको सुना दूंगी। मैं कहूंगी अबे ओए, माँ बहन नहीं है तुम्हारे घर में? एक लगाऊंगी ना तो 32 हाथ में आ जाएगी। ये मिठाई किस खुशी में आई है भाई? अम्मी वो दोस्त जिद कर रहे थे कि मिठाई खिलाओ, तो उनके लिए ली, तो घर के लिए भी ले ली। आप खाए ना, मुंह मीठा कीजिए। ये ले। मैं सद के जाऊं मेरा बच्चा। अम्मी वो आपने बात की मामू से? हाय हाय, वो तो मैं भूल ही गई। चल कोई बात नहीं बेटा, कल कर लेंगे। इस तरह टालती रहोगी तो कैसे बात बनेगी? हैं? पूछना तो पड़ेगा ना। मेरे भाई का घर है, उतना तो हक बनता है। अरे एक दफा फोन तो कर नहीं पा रही हो तुम, हैं? इतना डरती हो भाभी से? ना मैं क्यों डरूंगी, किसी से लेके खाती हूँ, कोई एहसान है मेरे पे या उधार लिए हुए मैंने? मैं तो अभी भी फोन कर सकती हूँ। अच्छा, मैं मिला देता हूँ तुम्हें नंबर, अभी बात कर लो उनसे। पर मेरी कहाँ है फोन? हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये नादरा बात करना चाह रहे थे। हेलो। हाँ भाभी, अस्सलाम वालेकुम। आप तो ईद का वो चांद है जो साल में एक बार भी नहीं निकलता। कभी तो आ जाया करें, बड़ी याद आती है आपकी।
दिल से याद करती तो मैं भी आ जाती। मैं तो आपको दिल से ही याद करती भाभी। चलो तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, तुम भी आओ ना। हैं? लगता है आप बड़े दिल से बुला रही हैं हमें, हम तो वाकई आ रहे हैं। हैं? मजाक कर रही हो? मैं क्यों भला मजाक करूंगी, आपको भाईजान ने नहीं बताया? नहीं। अच्छा 10-15 दिन तो रहोगी ना? हाँ हाँ, इरादा तो इतना ही है, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। कम से कम बता देती, मैं तैयारी ही कर लेती। तो बता तो दिया ना, तो आप तैयारी कर ले, हम इंशाल्लाह जुमे को पहुंच जाएंगे। मुनीब आपको ना मैसेज कर देगा कि हम किस वक्त पहुंच रहे हैं। अच्छा ठीक है खुदा हाफिज। तो फिर वो क्यों कह रही थी कि भाई ने आपको बताया नहीं? मुझे कुछ नहीं पता। ज्यादा भोले मत बने, मैं सब जानती हूँ। मैंने कहा है मैं नहीं जानता था। अरे ऐसे कैसे कोई मुंह उठाकर किसी के घर पहुंच जाए, कौन करता है ऐसा? बहने जा सकती, मगर हमारे ऐसा नहीं होता। तुम्हारे यहाँ बेतकल्लुफी नहीं ना होगी। फिर भी आपने मुझे बताया क्यों नहीं था? बाबा मैं कह तो रहा हूँ कि मुझे पता नहीं था। 10-15 दिन के लिए आ रही है वो, 10-15 दिन, और इस दौरान वो आपके दोस्त है ना, उनकी बेटी की शादी भी है। तो ठीक है, मैं भी साथ ले जाएंगे। मजाक कर रहे हैं आप? अरे भाई अगर वो आ ही रहे हैं तो उनको साथ तो ले जाना ही पड़ेगा ना। आपको मुझे बताना चाहिए था। मैं कितनी बार बताऊं कि मैंने बताया तो था कि मुझे नहीं पता। हाँ, जैसे आपको जेवर का नहीं पता था। जेवर? कौन सा जेवर? वही जेवर जो आपकी अम्मी ने बरी में दिया था और बाद में उसे नादरा को दे दिया। उसके बाद तुमने पता नहीं कितने जेवर बनवा लिए, लेकिन वो जेवर नहीं भूली। क्यों भूलूं? मेरी बरी का जेवर था वो। अब नादरा से मांग न लेना हो। बेवकूफ नहीं हूं मैं, इसे मैं काश बेवकूफ ही होती। अच्छा भाई कमरा साफ कर दिया? हाँ खाली भी कर दिया, चलो अच्छा किया। और सायरा तुमने देखा आज तुम्हारे अब्बू कितने खुश थे। चम्मी प्लीज आप परेशान ना हो, ऐसे अच्छी नहीं लगती। लेकिन बेटा उन्हें कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था ना। और तुम सुनो मायरा, खबरदार चापलूसियां ना करना उनकी। अच्छा सॉरी, लेकिन आपने इसको इतने प्यार से समझाया और मुझे आप डांटना शुरू हो गई हैं। इसलिए कि तुम्हें सिर्फ डांट की जुबान समझ में आती है। और एक बात और, कान खोल कर सुन लो, खबरदार अगर दुपट्टे के बगैर या स्लीपिंग सूट में तुम लोग घूमी, ये बात मैं तुम दोनों को समझा रही हूँ, ठीक है? जी। भाई कमाल का सरप्राइज दिया तुम लोगों ने, मजा आ गया। आप पहले ये बताएं भाईजान कि भाभी कितनी सरप्राइज हुई है। उसे छोड़ो, तुमने मुझे कब बताया था कि तुम आ रही हो? प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन इतना तो बता दो कि हो क्या रहा है। महीनों से कोशिश कर रहा था, अब जाके एडमिशन हुआ है। नहीं मैम अच्छी बात, मुझे खुशी हुई, लेकिन इतने महीनों से कोशिशें हो रही थी तो कम से कम एक बार मुझे बता ही दे। दरअसल इनका ख्याल था कि जब तक कुछ हो ना जाए उस वक्त तक किसी को बताया ना जाए। हाँ भाईजान, वो अम्मी कहती थी ना कि पहले से बात बताने से बदशगुनी हो जाती है। बदशगुनी तो अब भी हो रही है, मैं नरगिस को क्या बताऊंगा। आए है तौबा भाईजान, कोई इतना भी डरता है अपनी बीवी से? आप तो इतना डरते हैं, इनसे पूछे ये तो नहीं डरते। बात डर की नहीं है, लेकिन आप सही कह रहे हैं, अगर नरगिस भाभी को बुरा लगेगा तो मैं इसका एडमिशन किसी हॉस्टल में करा देता हूँ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसे बस थोड़ा सा बुरा लगेगा कि उसे बताया क्यों नहीं। ऐसी कोई भी बात हो उसे फौरन वो जेवर के साथ जोड़ दीजिए। जेवर? कौन सा वाला जेवर? छोड़ो कोई ऐसी जेवर वाली बात नहीं। ये भाभी वही रूबी वाले सेट के पीछे पड़ी है ना, पर मैं आपको बता रही हूँ मैं वो सेट बिल्कुल वापस नहीं करूंगी। हाँ फिर तो तुमसे मांग कौन रहा है? बस छोड़े, वापस चलते हैं। और बेटा तुम वही पढ़ ले। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? बैठो
न भाईजान कोई ऐसा भी करता है। बीवी क्या आपकी आ गई, बहन तो आपके लिए पराई हो गई है, रिश्ता ही खत्म हो गया मेरा। और ये मुनीब क्यों चुपचाप खड़ा है, पहले तो बहुत बोला करता था। ये अब भी बहुत बोलता है भाभी। फिर शायद हमें देख के बोलती बंद हो गई हो। नहीं नहीं, बस वैसे ही वो सफर की वजह से ना थकावट हो गई। बोल ना बेटा, बातें कर। नहीं बस यूं ही। मामी ये सामान कहाँ लेके जाऊँ मैं? जी जी आइए, मैं आपको आपका रूम दिखा। अरे ये मुझे दे दो ना। अरे नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू, आप लोग चले मैं ले आता हूँ। सायरा तुम और मुनीब एक एज क्यों ना? हाँ है क्यों? तुम उसको इतनी इज्जत क्यों देती हो? तो मैं ऐसे क्या कहूँ मायरा, क्या तुझे तेरा कमरा दिखा दूँ? आपको लगी तो नहीं ना? इट्स ओके, इतना सॉरी, ये तुम यूजुअली इतना ही घबराते हो या हमारा असर है? जी मायरा, अब ये ऐसी बातें करती है, माइंड ना करिएगा। ऐसे मत कहो, क्या पता मैंने अच्छी लग जाऊँ, है ना मुनीब? नहीं, तुम्हारा पसंद आने के लिए ना पूरी उम्र चाहिए, ये 10 दिन में काम नहीं हो सकता। आइए मैं आपको आपका रूम दिखा दूं। जी जी। आइए। ये रहा आप लोगों का रूम। वैसे तो ये मेरा कमरा है, लेकिन जब तक तुम यहाँ हो यहाँ पे रह सकते हो। नहीं नहीं, आप अपना कमरा तो मत दें, हम कहीं और एडजस्ट हो जाएंगे। तो क्या करें, तुम्हें किचन में सुला दें? इस घर में 3 ही कमरे हैं और एक बड़ा सा स्टोर है जिसमें अम्मी के जहेज की पेटियां आज तक पड़ी हैं। वहां सोना है तुमने? नहीं ना, तो फिर लॉक खोलो, तुम्हारा सामान अलमारी में सेट कर। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग चले जाइए, मैं खुद सेट कर लूंगा। तकल्लुफ ना करें, हम कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप छोड़ दें, आप प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। नहीं, इतना हैवी बैग, आप तो 10-15 दिन के लिए आए हैं ना? अम्मी अब्बू तो 2-3 दिन में चले जाएंगे। 2 दिन? तो फिर हमें 15 दिन क्यों कहा था? माशाल्लाह बड़ा खिला खिला लग रहा है सारा घर, ये रंग तो आप ही की चॉइस होगी। जी वसीम भाई, मैं तो कुछ अरसे बाद घर में कोई ना कोई चेंजिंग करवाती रहती हूँ। हाँ वैसे तो आप बड़ी खुशकिस्मत हैं, मेरे भाईजान ने तो कभी आपको रोका ही नहीं है। हाँ तो वसीम भाई कब मना करते हैं तुम्हें, तुम भी करवा लिया करो। नहीं, इन्होंने तो मुझे कभी मना ही नहीं किया, पर मैं आप ही फजूल खर्ची नहीं करती। अच्छा, वैसे जुनेद मुझे बता रहे थे कि हमारे घर में मेरी अम्मी को बहन को बिल्कुल भी घर पर खर्चा करने का कोई शौक नहीं है। मैं मान ही नहीं सकती कि भाईजान कभी ऐसी बात कर सकते हैं। क्यों भाईजान, आप ऐसा कह सकते हैं? मैं भी नहीं मान सकती कि तुमने अपने भाई को यहाँ आने की इत्तला दी थी, तुम बगैर बताए 2 हफ्ते के लिए रहने के लिए आई हो। हाँ तो ठीक है ना, मेरा जब दिल चाहेगा मैं आऊंगी, मेरे भाई का घर है। अच्छा बस नादरा। हाँ तो मैं क्या करूँ भाभी? मैं कह रहा हूँ खामोश। मैं जरा चेंज करके आता हूँ, चलो मेरे कपड़े निकालो। चलो ना। अच्छा आप चले, मैं निकाल देती हूँ। अच्छा चलो उठो, मैं आता हूँ। चल बेटा हो जा शुरू। सायरा हो जा शुरू, ये क्या कर रही हो ये इसको नाचो। मुझे देखो, मुझे डांस वांस बिल्कुल भी नहीं आता। अरे डांस सबको आता है यार, एक ठुमका मार दो। तुम कुछ छुपा रहे हो? जी नहीं। झूठ मत बोलो, तो फिर इतना सामान क्यों है? आप ये बात अम्मी से पूछ लीजिए। मैं क्यों याद दिलाऊंगी,
मैं तो सिर्फ बात कर रही थी, और उसको भी तो देखें, क्या जरूरत थी उसे ये कहने की कि भाभी आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपकी शादी हमारे भाई से हुई। तो क्या आप बदकिस्मत हैं कि आपकी शादी मुझसे हुई? अच्छा चुप, खामोश। एक बात गौर से सुन लो, तुम मेहमानों की बेइज्जती नहीं करोगी। ये मेरी बेइज्जती नहीं तो और क्या है? देखो अगर तुम चाहती हो कि मुनीब इस घर में रहे तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरी बात सुने, आप ना मुनीब का इंतजाम किसी हॉस्टल में करा दें, हम मैंने यहाँ रखना। मैंने तुम्हें कहा है कि मैं हॉस्टल अफोर्ड नहीं कर सकता। अरे कम से कम अपना मतलब निकालने के लिए ये उनके हाँ में हाँ मिला दो ना। मैं ऐसी नहीं हूँ और ना मैं ऐसी बातें बर्दाश्त कर सकती हूँ। मेरी क्या मर्जी, दो दिन की बात होती तो और बात थी, अब 15 दिन रहने के लिए कम अज कम 15 दिन पहले तो बताना चाहिए था। वो 2 दिन के लिए ही आई है, मजाक कर रही थी। अरे ये कैसा भोंडा मजाक है? तो ठीक है, मैं उससे कह देता हूँ कि वो ठीक 15 दिन बाद ही अब जाए। अरे मैंने ऐसा कब कहा? अरे मेरे बच्चे इधर हैं, मेरी बच्ची है। अच्छा बेटा, वो तुम्हारी अम्मी ना नीचे किचन में अकेली काम कर रही है, तुम लोग जाकर ना उनका हाथ बटा दो। जी जी पुप्पो, हम बस जा ही रहे थे। अच्छा पुप्पो, ये कह रहा था आप लोग सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं? हाँ बेटा, वो बस वो जल्दी है, जल्दी चले जाएंगे। तुम्हारे पुप्पा है ना, उनको काम है, हम तो सिर्फ बस अभी। अम्मी वो आप कह रही थी ना कि नीचे मामी को काम है। हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ जाओ, बाद में बातें करेंगे। देखा कितना फनी है, वैसे तुमने ना बिल्कुल ठीक नाम रखा है, मुन्ने भाई। मगर क्या बात है मम्मी, ये जो दोनों लड़कियां हैं ना, ये बहुत तेज हैं और ये हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं। हाँ भाभी का असर तो आना ही था, पर मेरी भतीजियां हैं बहुत प्यारी। जो यकीन है वो लोग हमारी ही बातें कर रहे हैं। फिर कहानी शुरू, मेरी कभी कोई कहानी ना गलत नहीं हुई। जो यकीन है वो कुछ छुपा रहा है और पुप्पू को हमारे खिलाफ बहका भी रहा है। छोड़ो मायरा, हमारी नेकियों में इजाफा कर रहा है, करने दो ना, पता तो चले किस किस पॉइंट पे इजाफा। लेने दो ना, क्या जरूरत है यार, सुन तो ले, अपनी बातें करते करके रहने दो। मैं यहाँ इनके साथ नहीं रह पाऊंगा। अम्मी क्या हो गया बेटा तुम्हें, क्यों खामखा में शक कर रहे हो? इतनी प्यारी बच्चियां हैं, मेरे तो जिगर का टुकड़ा है ये। अरे आपके जिगर का टुकड़ा होगी अम्मी, यहाँ नहीं रह सकता। रह सकता क्या मतलब वो यही रहेगा? सायरा मायरा आजो भाई। बेटा मेरा अरमान है कि तुम मेरे भाई जैसे बड़े आदमी बनो, तुम्हारा भी बड़ा सा घर हो, बहुत सारी गाड़ियां हो तुम्हारी। अम्मी कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, मुझे तो अब्बा उनसे ज्यादा कामयाब लगते हैं। रहने भी दो, मैंने गुजारा किया है ना, मुझे पता है छोटी छोटी चीजों के लिए कितना हिसाब किताब करना पड़ता है। वो कुछ नहीं, मैं बताती हूँ आपको, वो मुन्ने साहब है ना, पुप्पो को हमारी शिकायत कर रहा था। सॉरी, पुप्पो से हमारी शिकायत कर रहा था। शिकायत? कैसी शिकायत? अम्मी वो कह रहा था कि हम बहुत अजीब और खतरनाक लड़की हैं। देखा, और आगे पीछे फिरो अपनी पुप्पो के, इसीलिए कहती थी। मैं नहीं, हम पुप्पो के आगे पीछे फिरती, उनसे लाड करती, ये आपकी बेटी करती है। जिसका रिकॉर्ड खराब होगा उसी से पूछूंगी। भाई वो दुआ खत्म हो गई हो तो चाय पिलवा दो। अच्छा लाती हूँ, आप भी वैसे ना हाथ उठा के दुआ मांग ले। अल्लाह करे भाई जान ने भाभी से बात कर लियो मुनीब की। लिख के देता हूँ, कभी नहीं की होगी। वैसे कहते आप बिल्कुल सही हैं, हमारे सामने अकड़ते हैं, भाभी के सामने तो चूं तक नहीं। वैसे आप भी उनसे कुछ सीख ले जरा। मैं मजीद सीख लूं? अरे मुझ जैसा फरमाबरदार शौहर तो पूरे भावलपुर में दूसरा कोई नहीं है। हाँ सब पता है मुझे, इतने फरमाबरदार होते ना तब तक बात कर लेते, कब से तो कह रही हूँ मैं आपको। कौन सी बात, इनसे को खुल के बात करें। तुम जानती हो मैं किसी के पीछे नहीं पड़ता हूँ।
कर लेंगे जुनेद भाई बात जब मुनासिब समझेंगे। मतलब कुछ है जो अब्बू को भी पता है? तो कब करेंगे, कल तो चले जाएंगे। अरे मौका देख के कर ही लेंगे बात, तुम तो पीछे ही पड़ जाती। बीवी से भी कोई मौका देख के बात करता है तो बेवकूफा, कितना डरते हैं वो। तुम कह दो, इसमें परेशानी क्या है? हम मैं ही बची हूँ, बिल्ली के गले में घंटी बांध दे। ओह माय गॉड, मैं भी आ रही। आ किसके गले में घंटी बांधनी है? वो भावलपुर में एक बिल्ली है, उसके गले में। ओ अच्छा, मैं समझी मेरी बात हो रही है। कहाँ गया? अस्सलाम वालेकुम मुन्ने भाई। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे हो? रात बात अच्छी गुजरी ना तुम्हारी? अच्छे हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। ये हुई ना खुद पसंदी की आला मिसाल, वाह। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप लोग खड़े हुए क्यों हैं? आप यहाँ क्यों, यहाँ बैठे हैं आप लोग क्यों? आपने यहाँ पर कुछ छुपाया हुआ है? मैं क्यों छुपाऊंगा? अच्छा जरा बात सुने, आप पैदाइशी नर्वस हैं? जी। मतलब सिर्फ हकलाने की देर है, वरना आपने डरने के सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। नहीं वो असल में मैं लड़कियों से थोड़ा सा झिझकता हूँ बात करने में, ये मेरी फाइल है। ये आप क्यों ऐसे? क्या है दिखाओ मुझे। देखो क्या है ये? ओ तो तुम यहाँ एडमिशन लेने आए हो? हाँ प्लीज, लेकिन मामी को अभी कुछ मत बताना। अम्मी भी मामी से बात करेंगी, अगर अभी उनको पता चल गया तो वो बेवजह नाराज हो जाएंगी। मुनीर हम कराची की लड़की है, हमसे पंगा लोगे ना तो वैसा अच्छा नहीं होगा। मैं कब आपसे पंगा ले रहा हूँ? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी मत बताइएगा मामी को, जब तक अम्मी बात ना कर लें। ओके, लेकिन तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या? रैगिंग। मैं क्यों करूँगा रैगिंग? अरे तुम थोड़ी करोगे, हम तुम्हारी रैगिंग करेंगे। लेकिन क्यों? चल बेटा हो जा शुरू। सायरा हो जा शुरू, ये क्या कर रही हो? ये इसको तो नाचो। मुझे देखो, मुझे डांस वांस बिल्कुल भी नहीं आता। अरे डांस सबको आता है यार, एक तुमका मार दो या रहने के नहीं। हाँ तो नाचो। देखो मेरी बात सुनो, नीचे अम्मी मामू मामी सब है, किसी ने देख लिया तो मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएगी और वो बहुत डांटेंगे हमें। तुम नाचोगे या नहीं? अम्मी मेरी बात समझो, उसको समझाओ ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, बहुत बुरा आइडिया। देखो प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, कोई देख लेगा। तू नाचेगी बसंती? मुझे डांस नहीं आता है। मुझे डांस नहीं आता है। कम ऑन, इसको बोलो ये बेल पीछे करेगी। मुझे लगता है कि बच्चों में ना आपस में दोस्ती हो गई है। चलो चलकर देखते हैं कि क्या कर रहे हैं बच्चे। चलो चले भाई चले। इधर आओ और माफी मांगो, वरना ये लोग कहेंगे कि तुम मेरे कंट्रोल में नहीं हो। हाँ वो तो नजर आ ही रहा है। देखो क्या हो गया, क्या हो रहा था ये सब, बोलो। मैंने कुछ नहीं किया, इसी को बहुत ज्यादा डांस आ रहा था। तुम हमेशा मुझे बुरा बनाना ऐसी हरकतें करके। आप मुझे क्यों कह रही है, सायरा भी तो थी, इसको भी तो कुछ बोले। नहीं कहूंगी उसे कुछ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उससे ये सारी हरकतें तुम ही करवाती हो। ऐसी बात नहीं है। आप बीच में मत बोले। चलो सॉरी कहो। मैं नहीं बोलूंगी। मोयरा मेरा बदतमीजी मत करो। ओ छोड़ो नरगिस, बच्चों की आपस की बात है। ताकि मैं बदनाम हो जाऊं कि मैंने अपनी बच्चियों की कैसी तरबियत की है। खुदा ना खास्ता भाभी, हम क्यों बदनाम करेंगे। मायरा तुम माफी मांगती हो या नहीं? क्या चाहती हो तुम, ये लोग वापस जाकर मेरे खिलाफ बातें बनाएं? माफी मांगो।
मांगो माफी। नरगिस प्लीज। तुम मांगती हो माफी या नहीं? क्या तमाशा बना रखा है नरगिस? भाभी छोड़े बस जाने भी दें। अरे वसीम भाई आपको नहीं पता ये कितनी बड़ी बात बन सकती है। ये सारी बातें आप मुझे सुना रही है ना? इसकी वजह से मैंने सारी जिंदगी बहुत बातें सुनी है, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। नरगिस मायरा तुम कहीं नहीं जाओगे, इधर आओ और माफी मांगो वरना ये लोग कहेंगे कि तुम मेरे कंट्रोल में नहीं हो। हाँ वो तो नजर आ ही रहा है। मुनीब चल बेटा तुम माफी मांग ले। सॉरी अगर मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ हुई हो तो। देखा क्या हो गया? देखा शर्मिंदा कर दिया मुझे सबके सामने। अम्मी वो तो यहाँ पे रहने के लिए आए 3 साल के लिए, आपको बगैर बताए। और ये जो उसने अभी माफी मांगी है ना, ये आप पे इंप्रेशन जमाने के लिए मांगी है ताकि यहाँ पे आराम से रह सके। आपको पता था और आपने बताया नहीं, मैं कभी नहीं भूलूंगी ये बात। न भूलना जेवर की तरह उड़ा ले मजाक, आपकी नजर में तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। मैंने तुमसे कहा भी था कि वो मेरे घर में मेहमान हैं, मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो मेहमान नहीं आपकी बहन है और उसे इतनी तमीज नहीं कि आने से पहले मुझे बताए। बहरहाल वो नहीं रहेगी यहाँ। वो यहीं रहेगी। वो मुसलसल मुझे बातें सुना रही है और कह रही है कि मुनीब यहीं रहेगा। कम से कम अपना उल्लू सीधा करने के लिए मुझसे तमीज से पेश आती। वो क्या समझी थी कि डिब्बे में बंद करके चली जाएगी अपने लाडले को और मुझे पता नहीं चलेगा? इसीलिए कहा था तुमसे कि बात कर लो। बात तो मैंने कर ली थी भाईजान से, अल्लाह माफ करे, मुझे तो लगता है मेरे बेटे को चीर फाड़ खाएंगी ये लड़कियां। अरे यहाँ रहेगा तो चीर फाड़ खाएंगी ना। चलो मियाँ तैयारी करो, तुम भी चल रहे हो हमारे साथ। अगर वो यहाँ से चले गए तो अच्छा नहीं होगा। बहन आ जाए तो ऐसे नजरें फेर लेते हैं जैसे मैं आपकी कुछ लगती नहीं। आपने मुझे बताया क्यों नहीं था? तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से जो आज तुमने सबके सामने दिखाया है, मैंने तो तुम्हारी हर बात बर्दाश्त की है। तुम्हारी किसी कमजोरी के बारे में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हद से गुजर जाओ। आज जो कुछ तुमने किया है सबके सामने, ये सब क्या था? क्या मुंह दिखाओगी लोगों को? लोग तो तरह तरह की बातें बताएंगे, क्या जवाब दोगी तुम? अब जाओ, जाओ उससे कहो कि वो यही रहेगा। मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा छोड़ो ना, तुमने भी तो गलती की है, माफी मांग लेती क्या जाता तुम्हारा? मुझे नहीं करनी इस बारे में बात। अच्छा मुझसे तो नाराज ना हो, मैंने क्या किया? हाँ तुमने तो कभी भी कुछ भी नहीं किया होता यार, हर दफा मैं ही सब कुछ करती हूँ। वो लोग जा रहे हैं वापस, अम्मी ने कहा है कि आपको बता दूं बस। अच्छा जाए, खुदा हाफिज। मायरा देखो जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, हमें अफसोस है। झूठ मत बोलो, बल्कि बहुत अच्छा हो रहा है। अगर ये यहाँ पे रहता ना तो उसको पता लगता कि रिगिंग असल में होती क्या चीज है। जा रहे ना हम यहाँ से। मायरा कुछ नहीं मामू, मजाक कर रही थी। अब ये यही रहेगा इसी घर में, और अगर इसे कोई तकलीफ हुई तो अच्छा नहीं होगा। अब्बू लेकिन सायरा वो लोग जा रहे, मिलो आके। जी हाँ चलो। चल मैंने नहीं जाना, जाओ तो आ जाओ। हाँ। अच्छा जुनैद भाई इजाजत। सॉरी यार जो हुआ
उसे भूल जाओ, मैं तो यही कह सकता हूँ। सारा कसूर इसका है, मैंने इससे कहा भी था कि पहले से बात कर लो। मैं भाभी को नाराज नहीं देखा। तुम्हारी भाभी का गुस्सा तो मरकरी की तरह है, यूं चढ़ा यूं उतरा। हाँ, उसकी तुम फिक्र ना करो, उसे मैं संभाल लूंगा। बहरहाल अब इसकी पढ़ाई, सारी पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी। नहीं खाओगी? भूख नहीं है मुझे। फिर भी कुछ खा लो, चलो। वो तो वहीं बैठा होगा ना। उसने इसी घर में रहना है नरगिस, और जब तक उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती उसने यहीं रहना है। तो नहीं, क्या बकवास कर रही हो? मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। जाहिर तुम अपने कमरे में नहीं जा सकती, रूम मिलेगा तो जाओगी ना। वो तो अब 3 साल के लिए उसका हो गया। क्या उसकी? तुम्हें अब वो मुझे आपसे बात करनी है। इसको बोले मेरा कमरा छोड़े, ये मेरे कमरे में नहीं रहेगा। मायरा चलो, अगर ये यहाँ पे पढ़ने के लिए आया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? चलो बैठ कर नाश्ता करो। ये मेरे कमरे से जब तक नहीं जाएगा मैं नाश्ता करूंगी ही नहीं। तुम भले भूखी रहो, ये नहीं जाएगा। मम्मी अगर ये इतना इंसिस्ट कर रही है तो मैं, हमारे यहाँ बीच में नहीं बोला करते। चलो अगर नाश्ता नहीं करना फिर जाओ यहाँ से। मैंने तुमसे कहा था मुनीब से अच्छी तरह पेश आने को, तुम सारा गुस्सा मायरा पे निकाल के आ गई। ये क्या बात हुई? बदतमीजी कर रही थी मायरा। हाँ तो भाई उसको अपना कमरा देना पड़ रहा है ना। मैं सायरा से कहता हूँ वो अपना कमरा दे दे मुनीब को। क्यों? मायरा छोटी है, मायरा देगी अपना कमरा, सायरा नहीं देगी। तो सायरा भी तो कमरा दे सकती है ना, ये तो कोई बात नहीं। मैंने आपसे कह दिया कि सायरा अपना कमरा नहीं देगी। तुम ऐसे ही हमेशा सायरा को तरजीह देती हो। हाँ तो क्यों ना दूं? वो भी तो मेरी हर बात को अहमियत देती है। मैं किसी बात पर नाराज हो जाऊं तब तक माफी मांगती रहती है जब तक उसे यकीन ना हो जाए कि मैंने उसे माफ कर दिया या मैं मान गई। और मायरा वो बचपन में कैसे अपनी दादी से मेरी शिकायतें किया करती थी, और वो भी बहुत मुनसिफ बनकर हम दोनों के बीच बैठ जाएगा। तुम कब तक इस बात को लेकर पीटती रहोगी? जो सलूक आपके घर वालों ने मेरे साथ किया ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अभी तो तुम मान गई थी, अब क्या हो गया? एक बात रह गई यार, वैसे तो आप अपनी बेटियों पर बड़ी सख्ती करते, और मुनीब को कैसे रख लिया अपने घर में? आपने अपनी बहन और भांजे के लिए अपने उसूल बदल डाले। अगर कभी उसने आपकी बेटियों के साथ फ्री होने की कोशिश की तो क्या करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर मेरी बहन का बेटा होता ना तो फिर मैं देखती कैसा शोर मचाते आप। वसीम भाई के हालात ठीक नहीं है, मुनीब के मुस्तकबिल का सवाल है। पढ़ाई का खर्चा दे रहे हैं ना आप, हॉस्टल का भी दे देते। उसे कैसे कह दूं कि वो हॉस्टल में रहे? हाँ भाई, बहन के लिए तो आप अपने उसूल बदल डालेंगे, बीवी जाए फाड़ में। लेकिन एक बात याद रखें, अगर उसने मेरी बेटियों के साथ कोई उल्टी सीधी बात करने की कोशिश की ना तो फिर देखिएगा। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, खुदा के लिए सुन लेगा वो। ये मेरी भी तो बेटियां हैं। जी नहीं, आपको आपकी बहन और भांजा पहले, मैं और मेरी बेटियां बाद में। बगैर बताए आ गए घर में मुंह उठाकर। मायरा क्या बदतमीजी है, कोई जगह है कपड़े बदलने की? बंदा नॉक करके आता है, और वैसे भी कपड़े रूम में बदले जाते हैं। हमारे घर में ना रूम में नहीं बदले जाते, बाथरूम में बदले जाते। जाओ, मैंने कुछ अपनी चीजें लेनी है। अरे ये सब क्या हो रहा है? तुम क्या कर रही हो यहाँ? अपनी चीजें लेने आई हूँ मम्मी। दरवाजा खटखटाया था? हमारे घर में कौन खटखटाता दरवाजा? आइंदा से तुम दरवाजा खटखटा कर आओगी। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ? कपड़े चेंज कर रहा था। जाओ चेंज करो, उधर नहीं इधर जाओ, बाहर जाओ। और तुम्हें जो लेना है लो इस कमरे से, और बिला जरूरत आइंदा तुम इस कमरे में नहीं आओगी। सुना तुमने? ये मेरा कमरा है अम्मी। नहीं है अब ये तुम्हारा कमरा,
और मेरी बात कान खोल कर सुन लो कि बगैर दुपट्टे के अब तुम घर में नहीं घूमोगे। और दूसरी बात, ये जो ऊटपटांग हरकतें करती हो ना तुम, उछल कूद छछोरी हरकतें, इस लड़के के सामने नहीं करोगी अम्मी, क्योंकि ये तुम्हारे अब्बू को भी नहीं पसंद और मुझे भी अच्छा नहीं लगे। मैं अपने घर में भी अपनी मर्जी से नहीं रह सकती। अब पहले आपने उसको मेरा कमरा उठा के दे दिया, अब ये सब कुछ हो गया है घर में अम्मी। ये तुम्हारे अब्बू का फैसला है, मेरा नहीं। बेगम साहिबा ने कहा है भाई को साथ लेकर जाना है। What? What the hell यार, ये क्या बकवास है? Sorry, मेरी वजह से आप लोगों को देर हो गई। चले bye bye, have a good day, bye। मायरा, वो मुझे ना तुमसे अकेले में बात करनी थी। क्या अकेले में क्या बात करनी है तुम्हें? ये मेरी फ्रेंड है, हाय, और इसे घर ड्रॉप करना है, क्या कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, आ जाओ। फेयर एंड लवली द जलवा मारा, मामी इंतजार करिए, चलो। ओए बच्ची, देख के शोगा ना हो, बैठी रहो।